हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान बनेक चैनल को समस्त को स्वागत। एबे वर्तमान आम गोटे छोटिया शॉर्ट वीडियो देखा क्वांटिटेटिव उपरे एंड मु गोटे छोटिया टॉपिक तुम पाई नहीं आसी। जनरली आम क्वांटिटेटिव पार्ट रे दुईटा जिनस थाए, गोटे अरिथमेटिक थाए आ गोटे तुम एडवांस थाए। तो अरिथमेटिक पार्ट रे गोटे छोटिया शॉर्ट वीडियो तुम पाई नहीं कि आसी 5 मिनट भितर केमती तुम आराम से चैप्टर को खुशी रे करि परिबो। मोर चैप्टर रो ना होजि पले बोट एंड स्ट्रीम। तो मुझ तुमको 5-10 मिनट भितर गोटे छोटिया कनसेप्ट कह कि तुम आराम से पढ़ी पार एंड क्वेश्चन कर। तो बोट एंड स्ट्रीम को जानापी प्रथम तुम मुंडे समस्त रख, आम पानी उपरे कौन सी जिनस को नौचे ठीक अच्छे। स्ट्रीम मतलब हूँ स्रोत। स्रोत कौन कौन थाए, समुद्र थाए, नदी में थाए, झरणार थाए, हाँ कि नहीं। कौन सी भी जिनस बर्तमान आम पा रिलेटेड नवा तेने पानी सब जेहेतु गतिशील सब मुविंग थाए, फ्लोटिंग थाए, तो दे इज ए स्पीड ऑफ वाटर ठीक अच्छे। तेनाली चैप्टर आम जहाँ भी सल्व करवा सब गुड़ाक स्पीड रे ही नहीं कि सल्व करवा यहाँ समस्ते प्रथम मुंड रख ठीक अच्छे। स्पीड को लेकिन प्रथम आम सल्व करवा। सो बर्तमान बोट एंड स्ट्रीम उपर स्पीड रखा कौन कौन रिलेसन अच्छे। तो पहले आम सिंपल गोटे छोट जिन जानते स्पीड मतलब जदि आम डिस्टेंस को लेकिन क्वेश्चन बनवा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ कि नहीं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आम समस्त जिनसा जाने। तो आराम से आम बाहर करण पे ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ठीक अच्छे। तेणु स्पीड आउ टाइम भितर सब बड़े तुम कौन थी पे ना इनवर्सली रिलेशन रहिबो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो तुम देखिपर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम बट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। एंड जदि डिस्टेंस को तुम वन आउ वन नहीं जीव देन कौन हो स्पीड इज इक्वल टू वन बाय टी, टाइम इज इक्वल टू वन बाय एस। तेणु स्पीड आउ टाइम भितर तुम सब कौन रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन रहा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कौन, जदि तुम स्पीड बढ़ टाइम कमी जीव, जदि तुम स्पीड कम देन टाइम बढ़ जीव। घर तुम कौन जगह को जाऊ तुमको जब कम टाइम जावाक पड़ो देन तुमको स्पीड बढ़ावा पड़ो गाड़ी। एंड जब तुमको अधिक टाइम दरकार कि ना ठीक अच्छे मुझे आराम से जी देन तुम कम स्पीड में जापर तेणु टाइम जिते अधिक लगे तुमको कम स्पीड में गले भी चलो ठीक अच्छे। एंड डिस्टेंस कवर करने आमको कौन करा पड़ो बोले स्पीड इनटू टाइम ठीक अच्छे। स्पीडोमीटर आम से थाए तार यूनिट कौन थाए किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस रो यूनिट कौन किलोमीटर और मीटर। स्पीड रो यूनिट हूँ किलोमीटर पर आवर बा मीटर पर सेकेंड। आउ तुम टाइम रो यूनिट हूँ कौन बोले आवर मिनट सेकेंड। जदि आम खाली यूनिट जानवा देन आराम से ये चैप्टर अधा जिनस कम्प्लीट कर। तेरे मुझ तुमको फास्ट ही कहीदेली कि आमको ये चैप्टर में जहाँ भी करार अच्छी पानी स्रोत व स्पीड उपर आम निर्भर करके जीवा। तेणु आम स्पीड जब सल्व कर आराम से चैप्टर हो ठीक अच्छे। चलो ठीक आगे जावा बर्तमान कौन जिनस रहे जानापे मुझे बढ़िया सुंदर चित्र तुम आगे रखी। ये चित्र जो तुम मन रखीदल देन तुम आगे कौन असुविधा हम ना। मुझे गोटे डंगा रखिली कारण पा भाला जिनस पा जदि तुम बहुत तमाने ओबियसली मनीष निजे पहरिकी जापर एमती भी हो पाए कि रोईंग करके मनीष जीव कात मारिकी जीव डंगे जीव तमें आईदर गोटे मनीष स्विमिंग करके गोटे जगह आउ गए जगह को जीव बा गोटे पॉइंट रु गोटे एंड रु आ गोटे एंड को जीव किंबा तमरो डंगे गोटे एंड रु आ गोटे एंड को जापे। सेकेंड केस आ गोटे नौ कौन सेकेंड केस पुणी थे मु गोटे डंगा नेली ए गोटे मनीष को रखिली। ए दीटा केस रे डिफरेंस होचे एया कि प्रथम केस रे मु एया नबी कि डंगा जो डायरेक्शन रे जाउची पानी रो फ्लो भी सही डायरेक्शन रे जीव प्रथम केस। सेकंड केस होचे एया कि डंगा बा मनीष जो डायरेक्शन रे से माने पहुरुचंती अबा तमरो रोइंग करुचंती कात मारुचंती तारो ठीक अपोजिट डायरेक्शन रे तमरो पानी रो मूवमेंट हबो ठीक अछि। सो देयर आर टू केसेस। One direction is along the direction of water. So man or boat are moving along the direction of water. Second case hochi man or boat moving opposite to the direction of water. Tamane chinta karo
जदि पानीटा जो डिरेक्शन रे जाउछ जदि मनुष्यटा से डिरेक्शन गला देन आराम से इजीली से पहरे के जाई परिबो बा आराम से डंगा को रोइंग करी की जाई परिबो सो दैट इज नोन एज योर डाउनस्ट्रीम ठीक अछि एंड जोटे तमरो मनुष्य किबा डंगा पानी रो अपोजिट डायरेक्शन रे आसीबो त माने ओबवियसली मनुष्य को कोन करिया पडियो पानी रो अपोजिट डायरेक्शन रे डंगा को नबा पडियो ठीक अछि देन ताको हमें कोन कहू छे मैथमेटिकली दैट इज कॉल्ड योर अपस्ट्रीम मन रखे में बहुत इजी डाउन मतलब तळे पानी रो तळे तुम जदि पहरिबो बिल्कुल ही पानी रो कोनसी गति तुम पाई माने आराम से पहरी पहरी पळेबो त माने डाउनस्ट्रीम होची अलोंग द डायरेक्शन और विथ द डायरेक्शन ऑफ वाटर अपस्ट्रीम अप मतलब मुंडडा ऊपर थिबो को जना डेंगा मुंडरे ठेंगा हां कने तो अप माने होची मुंडडा ऊपर थिबो तन मुंडटा बाजीबो तन अप मतलब होची कोन योर अपोजिट डायरेक्शन मैन और पानी योर अपोजिट डायरेक्शन से माने मूवमेंट करूचंदी एबे ना टिके दे देबा कोन ना मैन बा डंगा को मु एम रे रिप्रेजेंट करूची पानी को मु सी रे रिप्रेजेंट करूची मन रखे वेरी इजी ना सी माने समुद्र एस ई ए हाँ कि नहीं सी माने समुद्र तेनाली रिप्रेजेंट कर दिली जी सारा पानी रिलेटेड जिनस दैट इज सी मनीष वाला जिनस दैट इज एम से डंगा हो बा मनीष हो केवल दुटा ही जिनस अच्छी तमें एम रे रिप्रेजेंट करदेव सेमती ये भी तुम्हें मैन कि डंगा को एम पानी को सी रे रिप्रेजेंट कर दियो ठीक अच्छे डाउन स्ट्रीम को तार ना अनुसार ही डी रे रिप्रेजेंट कर दियो एंड अपस्ट्रीम को तार ना अनुसार यू रे रिप्रेजेंट कर दियो सरला एबे देखिबा काहा को केमते हमें डिफाइन करिबा जदि डेफिनेशन तमे जानतो देन तुमको क्वेश्चन करिया पे आउ किछ असुविधा हबो नाही तो प्रथम जिंस होछि पले डी बा प्रथम जिंस हमें सपोज एम नबा लेट सी हमें एम नै जिबा एम मु तुम कहली ना मनीष बा डंगा त मु देखो कोन लेखु छि सेटा होछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट मु लेखली पले स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टील वाटर मतलब होची स्थिर पानी ठीक अच्छे तो पानी तो केवे सेंती स्थिर नुह सब गतिशील किंतु जो किसी रोइंग करी ना तो मैंने डंगाटा स्थिर थी हाँ कि नहीं तो मुझे लिखिली से स्पीड ऑफ मैन मुझे तुमको कही चैप्टर कौन सॉल्व हम स्पीड सॉल्व हम तो स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टील वाटर दैट इज एम जो तुम स्टील वाटर पाइल से तुम डायरेक्टली आखि बंद करके एम नब सरला फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हूँ मोर कौन ना पानी सी तेणु सी को वर्तमान रिप्रेजेंट करी पे कौरे ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम हो किंबा वाटर हो किंबा सी हो पॉन्ड हो जोटा भी मैंने जेकोसी पानी रे से लोकटा पहुँची डंगाटा जाऊँच ये सब जिनस कौन ना पे सी नवा ठीक अच्छे तेनाली दीटा पॉइंट तुमको ये कहली गोटे हूँ एम आउ गोटे हूँ सी एम हूँ तुम स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टील वाटर सी हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम पानी रो पूरा गति देन आउ दीटा पॉइंट रहा हूँ डी डी को आम रिप्रेजेंट करवा कौन पे तार ना हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम देख मु सब जगह स्पीड रखुच स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम तो आ गोटे जिनस रहा दैट इज यू यू हूँ कौन पे ना स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हम तमें एम हूँ मनीष बा बोट गति इन स्टील वाटर सी हूँ पानी रा स्पीड डी हूँ डाउनस्ट्रीम रा स्पीड यू हूँ अपस्ट्रीम रा स्पीड सब जिन स्पीड मेंशन कर सरला एवं खाली फॉर्मूला सरले सरला देखो फॉर्मूला कौन ना फर्स्ट फॉर्मूला हूँ डाउनस्ट्रीम मु तुमको ये कहली डाउनस्ट्रीम रे मनीष आउ पानी गोटे डायरेक्शन रे जेबे तेणु डाउनस्ट्रीम माने से वाटर रा स्पीड ताले कौन हम ना मनीष रा स्पीड प्लस तुम्हारा पानी रा स्पीड ओवर ठीक अच्छे तमें मनीष रा स्पीड प्लस तुम्हारा वाटर स्पीड सी हूँ तुम्हारा डाउनस्ट्रीम रा फॉर्मूला एम प्लस सी तापरे अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम मुझे तुमको कौन कहली ना मनीष एंड पानी अपोजिट डायरेक्शन रे फ्लो हेबे अपोजिट डायरेक्शन रे जिबे टिके मुंडर लगे कि वर्तमान मते समस्ते मन पके कि कहिबो कि जेते बळे मु पानी रो अपोजिट डायरेक्शन रे जाउची ता माने मु सेते बळे पहरी पारिबी बा रोइंग करि पारिबी जेते बळे मोर शक्ति बा मोर एनर्जी पानी रो स्पीड थारु अधिक हबो हाँ कि नहीं तेरे मत गोटे जिनस काटी काटी जीवा पड़ो काटी गले मतलब अधिक शक्ति प्रदान करने को पड़ा अधिक शक्ति देवाक पड़ो तो मोर जो एनर्जी
अधिक हम कहाँ पानी रो एनर्जी ठारू तो फॉर्मूला होची m माइनस सी सल्ला आउ केबे तमे लाइफ भूलिबो नाही ओके तनो m माइनस सी होची अपस्ट्रीम रो फॉर्मूला एबे वर्तमान m रो जिंस बाहर करिबा बा m रो फॉर्मूला बाहर करिबा देखो मु केमती बाहर करूची प्रथम पार्ट सपोज मोर छोटिया जदी एग्जांपल देबी लेट्स से कि x प्लस y रो वैल्यू होची 8 आ गुड जगह मु रखली x माइनस y रो वैल्यू होची सपोज 4 हबो एबे मु तमको पचारि पले x रो वैल्यू कोन हबो त मते कोन कहबो एड दिरा मिसले तमरो y y कटि जाउची x माने कोन एटा 2x हला 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 तो 2x इक्वल टू जदी 8 प्लस 4 हला दैट x इज इक्वल टू कोन हबो ताले 8 प्लस 4 बाय 2 हबो त माने मु एक्चुअली कलि कोन जेहेतु कोफिशिएंट सेम अछि तनो x रो वैल्यू तमरो 8 प्लस 4 बाय 2 कर देली तो मु तमो एग्जांपल नेकि बुझौची तापर हम फार्मूला को जिबा तमे मते निजे निजे कहि परियो सेमती वाई रो वैल्यू ताले कोन हबो ना वाई रो वैल्यू देखो एटा जेतु नेगेटिव अछि ए जगह रे तनो एटा जेमती 8 प्लस 4 बाय 2 लिखली सेमती वाई पे मु लिखि परबी 8 माइनस 4 बाय 2 ठीक हला देखिलो जहां लिखि छि एठे अछि कि x प्लस y इज इक्वल टू 8 m प्लस c इज इक्वल टू d x माइनस y इज इक्वल टू 4 m माइनस c इज इक्वल टू u ठीक अछि त माने x रो वैल्यू केमती बाहरला 8 प्लस 4 बाय 2 तो m रो वैल्यू केमती बाहरिबो दिरे जाको पॉजिटिव अछि सो कोन हो पिले d प्लस u डिवाइडेड बाय 2 सरला ठीक अछि देखो जहां मु बाहर कले से डाइवेट पके देली फार्मूला मन रखिया ही दरकार नै ऑटोमेटिकली तमे निजे डिराइव करि परिबो हला आउ कोन रहिला पिले सी सी रो फार्मूला ताले कोन हो पिले d माइनस u डिवाइडेड बाय 2 एटा तुम बाहर करथलो 8 माइनस 4 तारे माइनस काई खेला जो जगह रे तमरो नेगेटिव वैल्यू छि सी रे नेगेटिव वैल्यू छि तनो u डा तमरो नेगेटिव आसेला d माइनस u बाय 2 दिस 4 फार्मूला विल सॉल्व योर एंटायर चैप्टर ठीक अछि एठे तमे ए चारटा फार्मूला को यूज करिकि जे कोनोसी क्वेश्चन पचारला तमे आराम से सॉल्व करि परिबो प्रथम काम होची तमर ए चारटा खाली डाटा तमे बाहर कर दियो ठीक अछि जोडे स्टील वाटर लिखा हेतिबो सेटा एम जोडे पानी थिबो सेटा सी बाकी जोडे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम थिबो से होची तमर डी आ यू कहार डाटा देथिबो ए सब जगह स्पीड डाटा देथिबो जदि स्पीड डाटा नथिबो देन तमको स्पीड डाटा रे कन्वर्ट करिया को पडिबो ओके क्लियर समस्त सो वर्तमान स्पीड डाटा कन्वर्ट करिया में फार्मूला अछि स्पीड इक्वल कोन डिस्टेंस बाय टाइम ओके तो मु तमे गोटे छोटिया सेंटेंस कहि के बुझे दउ छी कि परीक्षा रे केमती कोन क्वेश्चन आसीबो एंड जदि तमे डाटा बाहर करिवो देन सेंटेंस रो केमती डाटा को अरेंज करिवो जदि एती बाहर करलो देन तमे काम सल्ला सो वर्तमान एती क्वेश्चन तमरो फंडामेंटल सो विल मूव टू द क्वेश्चन राउंड गोटे सेंटेंस सपोज लिखा हेतिबो कि ए मैन इज मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर ये प्रथम सेंटेंस सपोज दला सेकंड सेंटेंस दला ए मैन इज मूविंग 50 किलोमीटर इन 10 आवर्स इन स्टील वाटर तापरे सपोज आउ गोटे सेंटेंस दला कि ए मैन इज रोइंग इन डाउनस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर मु तीनटा सेंटेंस लिखली हैला तीनटा सेंटेंस रो डाटा वर्तमान बाहर करबी जदि तमे बुझी गलो देन ए चैप्टर खत्म फर्स्ट सेंटेंस में कौन लिखली ए मैन इज मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर पिले स्टील वाटर देची ता माने ये एम रो वैल्यू सल्ला एबे कहार डाटा देची किलोमीटर पर आवर देची त माने स्पीड रो डाटा तमको देची सो डायरेक्टली तमरो आंसर होची या कि एम रो वैल्यू होची 50 किलोमीटर पर आवर देखो इतरे किछ कन्फ्यूजन बर्तन नाही फर्स्ट पॉइंट हबो तो फर्स्ट पॉइंट होची
m is equal to 50 kilometer per hour. Second sentence dekho mu same rakhichi tikke changes karuchi. A man is moving 50 kilometer in 10 hour in still water. To ithura me janile vartaman still water ro jinso deichi kintu kon deichi diita value deichi prathama da dala 50 kilometer. 50 kilometer ta hochi distance ro unit eta tamu janiya padu. ठीक अच्छे कारण सोचा लिखी कौथे सल्व हम चैप्टर स्पीड सल्व हम जब स्पीड न सल्व हो देन स्पीड को कन्वर्ट करके सल्व करवा ठीक अच्छे तो 50 किलोमीटर हूँ डिस्टेंस रो यूनिट एंड 10 आवर हूँ तुम टाइम रो यूनिट ता माने स्टील वाटर रो गोटे तुम डिस्टेंस केते ना 50 किलोमीटर आ गोटे तुम एम रो टाइम सी हूँ 10 आवर ठीक अच्छे तमें एठ डिस्टेंस आउ टाइम रु तमे एम रो कौन बाहर कर स्पीड बाहर कर पार सो वर्तमान तमे वर्तमान बाहर कर दियो पिले एम रो स्पीड कौन हम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस हो 50 टाइम हो कते 10 तमें तुम आंसर आसो कते ना 5 किलोमीटर पर आवर एबे देख तुम किलोमीटर पर आवर आसला तमें स्पीड आसला ठीक अच्छे तो ये मुझे कन्वर्ट कली दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन रू तुमको डाटा एक्सट्रैक्ट करने को पड़े थर्ड पॉइंट कौन लिखी देख ए मैन इज रोइंग इन डाउनस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर 7 किलोमीटर पर आवर मतलब सी हूँ स्पीड कहार स्पीड देख ये इन डाउनस्ट्रीम तमाने डाउनस्ट्रीम डाउन रे तमाने पानी जो दिगरे जाउची से सही दिगरे जाउची तेनु मनुष्यर स्पीड मतलब कहार स्पीड डाउनस्ट्रीम रा स्पीड तो एटे डायरेक्टली तमे लिख परिबो डाउनस्ट्रीम रा स्पीड जोडा कि हमरा डेफिनेशन थिला दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर सल्ला डाटा एक्सट्रैक्ट करलो पुट द फार्मूला गेट द आंसर जहां तुमको पचार थिबो से चारिटा फार्मूला रो एपोर्ट सेपोर्ट हबो नाही आउ किछि फार्मूला ही नाही से चैप्टर Okay, this is the basic idea about boat and stick. Thank you guys. Take care.